की जीत हुई है और संघ की और बीजेपी की हार हुई है। धनेंद्र जी, अमीश जी, शोएब जी और घनेन्द्र जी ने बोला, दोनों की बात का उत्तर देता हूं। अमानुल्लाह खान 70,000 से जीतते हैं और मनीष सिसोदिया जान बची तो लाखों पाए। कौन विकास की बात कर रहा था और कौन जो था वो प्रतिक्रियात्मक बात कर रहा था, ये अंतर पर्याप्त है। अरे सर, चुनाव में तो वो विजय हुई निश्चित रूप से, पर विजय के कारण इतने सहज नहीं है जो घनेन्द्र जी कह रहे हैं। यदि इतना ही स्कूलों के लिए काम करने की बात थी तो मनीष सिसोदिया जी को प्रचंड बहुमत से जीतना चाहिए था। पर हकीकत तो यह है कि अमानुल्लाह खान जीतते हैं 70,000 से और मनीष सिसोदिया किसी तरीके से जान बचा पाते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ से जीते कि कुछ हद तक आपको मालूम नहीं है शायद अमानुल्लाह खान तो मैं वही कह रहा हूँ, 70,000 जमानत जब्त कराई थी, 70,000 से जीते ना, तो अगर विकास की बात थी तो मनीष सिसोदिया जी को प्रचंड बहुमत से जीतना चाहिए था, उससे ज्यादा बड़े बहुमत से जीतना चाहिए। अब मैं एक और बात आने दीजिए। अरे भाई, अपने टर्न पे बोलने दे भाई, सुधांशु जी अपनी बात डेली की डिबेट नहीं है, शांत रहिए प्लीज। अरे चुनावी तो, अरे भैया अपने अपने टर्न पे बोलिए, अब चुनाव समाप्त हो चुका है, 7 सीटें आप बोलने से कोई वोट का असर पड़ने वाला नहीं है। मनीष जी कम मार्जिन से जीते उसमें खुशी मना रहे हैं, अमानतुल्ला 70,000 से जीता उसमें खुशी मना रहे हैं। खुशी नहीं मना रहे हैं, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, खुशी मनानी चाहिए, मनाओ, खुशी मना रहे हो आप तो, बहुत खुश हो रहे हो कि मनीष जी का मार्जिन क्या था और अमानतुल्ला का मार्जिन क्या था। आप क्या मार्जिन और प्रतिशत बता रहे हैं? खुशी नहीं हो रहा हूँ, एक यथार्थ बता रहा हूँ। आप विकास मॉडल का यथार्थ बता दीजिए ना, किस लिए लड़ रहे हैं? विकास मॉडल के पोस्टर बॉय मनीष सिसोदिया जी बाल बाल जो बचते हैं, मनीष जी के मार्जिन पे खुश हो रहे हो, आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है, मार्जिन पे खुश हो रहे हो, तो विकास के प्रति के साथ यह स्थिति क्यों? ये मैं एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ रहा हूँ। अरे आप दावा खुशी और दुख की बात नहीं कह रहा हूँ। जिनको दिल्ली ने 68 सीटें दी थी 6 महीने पहले और आज आप 0 पे आके खड़े हो गए, 7 पे आके खड़े हो गए, आपको शर्म नहीं आ रही? बताओ। अरे भगवान, मैं तो आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आप ही ने दावा किया विकास का, तो स्कूलों के नाम पे वोट करने वालों ने स्कूलों के नाम के सबसे बड़े प्रतीक को कम वोट क्यों दिए? जवाब दीजिए भगवान, जवाब दीजिए। जभी तो दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया, जभी तो सर, जभी तो 63 सीटें मिली है। अरे बताइए ना, मनीष सिसोदिया को क्यों कम वोट मिला? मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, अगर विकास ही सब कुछ था, केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को वोट मिली मनीष सिसोदिया? अभी आपने बोला था रिमाइंड करके ले लिया कि जनता ने कहा इसे संजय कराओ, फिर सरकार संजय करेंगे। संजय संजय अपने टर्न पे बोलिए, धनेंद्र एक सेकंड, सुधांशु संजय बोल चुका, चुनाव खत्म। संजय मैं कह रहा हूँ, सुधांशु कैन आई गेट संजय, कैन आई गेट संजय, संजय ऑडियो, संजय प्लीज। नहीं सुधांशु जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मनीष सिसोदिया को वोट क्यों कम मिला, इससे नकारा नहीं जा सकता कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में जो काम किया, कई फैक्टर होते हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो कैंडिडेट था वो कैसा कैंडिडेट था, उन्होंने कैसा प्रचार किया, तो ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं। मैं समझता हूँ आप इस बात को मानेंगे कि जो उसके अगेंस्ट में कौन कैंडिडेट है ये सब भी निर्भर करता है। सिर्फ मनीष सिसोदिया के कम मार्जिन से जीतने का, अगर वो हार भी जाते मान लीजिए, तो मैं नहीं मानता कि दिल्ली के जनता ने आम आदमी पार्टी के काम को नकार दिया। रागिनी नायक इज आल्सो जॉइनिंग मी फ्रॉम कांग्रेस, सुधांशु रिस्पॉन्ड टू संजय फर्स्ट, देन रागिनी नायक, एंड देन कहा कि वो उनकी हार का कोई एक बहुत बड़ा आम आदमी पार्टी की जीत से फर्क पड़ता है। मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया कि इसका मतलब फैक्टर और भी थे, सिर्फ वही फैक्टर नहीं जो गिनाया जा रहा था। अमित जी एक बात मैं और कहना चाहूंगा भाई, जी जी जी, एक बात और कहना चाहूंगा। अभी सतीश प्रकाश जी ने एक बड़ा वक्तव्य दिया कि हम भक्तों की पार्टी है। मैं सतीश प्रकाश जी से विनम्रता से पूछना चाहता हूं, भारत की राजनीति में ऐसा कौन सा एकमात्र नेता है जिसने कहा देवी मैं हूं चढ़ावा मुझ पर चढ़ाओ? बताइए सुधांशु जी, देखिए सुनिए, मायावती जी है ना, कौन सा ऐसा नेता है जिसके बगल में कोई कुर्सी पर नहीं बैठ सकता? कौन सा ऐसा नेता है जब कुर्सी पे बैठेगा तो बाकी सब जमीन पे बैठेंगे? कौन सा ऐसा नेता है जिसके साथ किसी दूसरे की फोटो नहीं हो सकती? सुनिए, तो भक्ति किसके पास है यह देखने के बाद आप उत्तर दे। और ये बिल्कुल सही बात है, दबो कुचलों के साथ बाहर निकल करके उनको अपने पीछे बांध के चलना उठा रहे हैं ना आप, आप डिस्टर्ब करने लगते हैं, आप लोगों जहां बीजेपी सत्ता से दूर हो मिलते हैं, कहीं ना कहीं उनके लीडर्स का विरोध सड़कों के ऊपर भी दिखाई देगा।
और ये बताइए ना, वंचितों शोषितों की बात कर रहे हैं इस समय, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सतीश मानो पहले हार है, सतीश सतीश सतीश।